ये सुनकर कलेजे को ठंडक पहुंच गई। ये बरखा रानी मुझसे शादी करने को तैयार है। मुझसे नहीं, मुझसे नहीं, मुझसे नहीं, हम दोनों में से कोई एक कहो। बरखा, अब सवाल उठता है कुर्बानी का कि ये कुर्बानी देगा कौन? तो दे दो कुर्बानी, और कुर्बानी ऊपर वाले को बहुत पसंद है। अच्छा, तुम भी तो ऊपर वाले के बंदे हो, ये कुर्बानी देकर खुश कर डालो उसको। मैं नास्तिक हूँ, नास्तिक हूँ मैं। क्या? एक एक लड़की के लिए ईमान बदल दिया? शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम अब देखो, देखो पवन जी, एक बात कान खोलकर सुन लो। हाँ। कि बरखा रानी से सिर्फ मैं शादी करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं खुशखबरी आपकी वाइफ को बता दूं? चलेगा। वेरी गुड। तुम मेरी बीवी को बता दो। हाँ। मैं तुम्हारी लोखंडवाला वाली, हाँ? गोरेगांव वाली, नहीं, नहीं। मलाड वाली और दहीसर वाली गर्लफ्रेंड को बता दे तू। नहीं नहीं, एक से रुको रुको बाबू भाई, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं झगड़ा करके। अच्छा सुनो बाबू भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर से आपका झगड़ा हो जाता है, हाँ। तो आप वो फिल्म छोड़ देते हो। हाँ। तो उसी तरह से ये बरखा रानी को छोड़ दो, सिंपल है, छोड़ सकते हैं। अच्छा, वैसे ही, वैसे ही। पवन जी, हाँ। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, हाँ। कि आप लड़कियां सेलेक्ट करके लाते हैं, हाँ। डांस के लिए, हाँ। लेकिन उनमें से कोई लड़की बराबर डांस नहीं करती, हाँ। तो आप उसे ग्रुप से निकाल देते, हाँ। तो बरखा रानी को यही सोच के दिल से निकाल दो ना। क्या? नहीं नहीं, क्यों यार, तुम आदमी हो जानवर? और तुम क्या हो? और तुम क्या हो यार? हाँ। बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? मेरे जज्बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? मेरे प्यार को समझने की कोशिश? एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? मेरे पास, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास एक सिक्का है। हाँ, क्या? हम दोनों की तकदीर का फैसला ये करेगा। ओके ओके ओके, गो अहेड, गो अहेड। बोलो, हेड चाहिए कि टेल? हेड। ओके, हेड। एक मिनट, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या हुआ? ये शोले वाला तो नहीं? नहीं नहीं, रामगढ़ का नहीं, जापान का है। यही का? यही का है। ठीक है, इसको मैं उछालूंगा। बोलो हेड। अरे तो तुम पे कौन सा भरोसा मेरे को? अच्छा, हाँ। तो ये सिक्का कोई तीसरा उछालेगा, कोई तीसरा उछालेगा। तीसरा? तीसरा कौन? तीसरा बड़ा सेठ। ओ अच्छा, टीकू सेठ। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे यार। जी सीडी, सीडी क्यों बंद कर दी? आज यार की शादी नहीं है, आज यार की बर्बादी है सर जी। अरे ऐसे अशुभ बातें क्यों करता है? अरे शुभ को तो आपने अशुभ बना दिया सर जी। है? मैं इतने प्यार से सीमा पार कर रहा था, क्या जरूरत थी आपको मिसाइल मारने की? बरखा रानी ने आपके साथ शादी करने से मना कर दिया। क्या? हाँ। क्या बात करता है तू? क्यों? ये लीजिए हार, इसे आप ही पहन लीजिए। मैं? और वो जो शादी का हार आप लेकर आए हैं, उन्हें भी आप ही पहन लीजिए। और इस सुहागरात के बिस्तर पे भी आप ही बैठ जाइए, और सुहागरात भी अपने आप से अपने आप मना लीजिए। अरे सीढ़ी, ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार? तू ही तो वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मैं बरखा रानी तक पहुँचा हूँ। सीढ़ी अब सीढ़ी नहीं रहा, सीढ़ी का करियर मिट चुका है, सीढ़ी अब पायरेटेड सीढ़ी हो गया। पायरेटेड? ये गेम बिगड़ा कैसे सीढ़ी? शुभ काम करने से पहले समय देखा जाता है, राहु केतु के खेल देखे जाते हैं, शनि की दशा देखी जाती है। आपने कुछ देखा नहीं और सीधे शनि देवल की तरह घुस गए विलन के अड्डे पे। विलन मत बोल, बरखा रानी बोल यार। घुस गया, घुस गया, गलत किया, गलत किया मैंने। अब क्या होगा, अब क्या होगा? एक काम करते हैं, अब मुंबई चलते हैं, वहाँ से आपके लिए बरखा रानी का डुप्लीकेट ढूंढते हैं और आपकी शादी करवा देते हैं। डुप्लीकेट? नहीं 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 नहीं, सीढ़ी पूरा जापान जानता है कि मैं सिर्फ ओरिजिनल माल खरीदता हूँ। टीकू जी, आ गए राहु केतु। सर जी, सर जी, लड़की शादी करने को तैयार है मुझसे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो दोनों को चाहती है, ये उसको संभाल नहीं पाएगा, लेकिन फिर विजिट कर रहा है। तो उसमें मैं क्या करूँ? सर जी, हम ये चाहते हैं कि सिक्का उछाल के आप फैसला करें कि वो मुझे मिलनी चाहिए या फिर किसी और को। नहीं, अरे ये लड़की है कौन? सर जी, वो लड़की जो भी हो, अगले आधे घंटे तक समय बड़ा मनहूस चल रहा है, और देखो सर जी को बहुत नुकसान हो गया है, जो भी फैसला लेना है आधे घंटे बाद लेना है, प्लीज। ये सब मैं नहीं मानता, आप जाइए यहाँ से। मानना पड़ेगा, नहीं तो वो सारी चीजें जो लड़की के लिए खरीद कर लाए हो ना, वो सब तुम्ही को पहननी पड़ेगी। क्यों? और बिस्तर पे भी खुद ही को लेटना पड़ेगा, और सुहागरात अपने आप से मनानी पड़ेगी। अकेला आदमी कैसे कर सकता है? अच्छा, तुम लोगों को विश्वास नहीं है? नहीं। लाओ सिक्का दो, सिक्का दो, सिक्का दो, सिक्का दो, लाओ सिक्का है आपके पास, लाओ लाओ, निकालो निकालो निकालो। हेड, 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 ये क्या कर रहा है? बॉलर, बॉलर, हाँ, हेड, हेड,
यकीन देना। शनि की हरकत है ये, इसलिए अपने अपने कमरे में जाइए प्लीज, और आधे घंटे बाद फैसला होगा कि वो लड़की है कौन। लेकिन सीडी ये लड़की है कौन? मैं आपको बताऊंगा तो आपको शॉक लग जाएगा। पवन जी, इस अशुभ घड़ी में नाम भी मत लीजिए उस लड़की का। अपने कमरे में जाइए, आधे घंटे में ही मुलाकात होगी प्लीज। लेकिन ये लड़की है कौन? मैं आपको बताता हूं। अरे आप उस लड़की का नाम बताने में क्यों तुले हुए हैं? ये छत गिर जाएगी, पत्थरों की बारिश होने लगेगी, हंगामा हो जाएगा, सर जी का हार्ट फेल हो जाएगा। नहीं सुनना है, तुम लोग जाओ ना यार, समझते नहीं हो शनि की। चलो चलो निकलो बाहर, चलो चलो बाहर निकलो। सर जी आप ख्याल रखना अपना। लड़की का नाम नहीं सुना है, फिर भी इन लोगों ने बताया नहीं कि ये लड़की है कौन। अरे खेल खत्म हो गया, हमारे अन्नदाता टीकू सेठ का खाता बंद हो रहा है। लोचा करेगा तो बैंक में खाता बंद होगा। नहीं बैंक का नहीं, जिंदगी का खाता बंद हो रहा है। बोले तो टीकू सेठ से आपको शिकायत थी ना कि वो हवा छोड़ते हैं। हवा छोड़ने वाला इंसान अब इस दुनिया को छोड़ रहा है। क्या? हाँ, इसीलिए अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बड़े अरमानों के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे आपके पास। लेकिन उसे हुआ क्या है? अरे वही जो आपकी माँ को हुआ था, ब्लड कैंसर। क्या बोल रहे? हाँ, हिंदी में बोल रहे ला। अरे इतना जिंदा दिल इंसान कि 10 दिन पहले पता चल गया था, लेकिन खूब हंसता रहा, हंसाता रहा, और आपके साथ सपनों में अपने अरमानों की दुनिया बसाता रहा, और आपने उसे शादी से इनकार कर दिया। ये मैं क्या सुन रही हूँ बाप? अरे वही जो मैं कह रहा हूँ माँ। डॉक्टर ने कहा है अगर समय पे दवाई नहीं ली तो 1 महीना जिएगा, और समय समय पे दवाई लेता रहा तो 2 महीना जिएगा, और कहीं आपसे शादी हो गई तो 6 महीना जिएगा। मेरे टीकू को 4 महीने दे दीजिए प्लीज, प्लीज मेरे शर्मीले टीकू सेठ को 4 महीने दे दीजिए। अपनी नफरत को टोकियो की गटर में उठाकर फेंक दीजिए, और याद कीजिए मैं चली का वो सीन जिसमें बीमार विलेन को खुशी देने के लिए आपने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी। और बरखा जी, उस फिल्म के लिए आपको जबरदस्ती अवार्ड मिला था, और वही सीन आपकी रियल लाइफ में सामने है। इस सीन के लिए आपको सीधा स्वर्ग मिलेगा। प्लीज आप बचा लीजिए, बचा लीजिए। कहाँ जा रही है? टीकू के पास। जाओ, खूब ख्याल रखो टीकू सेठ का, खूब ख्याल। अब आएगा मजा। आए टीकू सेठ को कैंसर है तो मैंने टीकू सेठ को बताया ही नहीं। रखो। बरखा जी, आप रो क्यों रही है? सर जी, ये आपका हाल सुनकर रो पड़ी, ये पछतावे के आंसू हैं। हकीकत सामने आने के बाद में शादी करने के लिए तैयार हैं। हकीकत? कैसी हकीकत? सर जी, कितना छिपाएंगे आप? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। मैंने बरखा जी को सब बता दिया है। आपने अपन से सच्चाई छुपा के आप उनको बहुत दुख पहुंचाया। मैंने दुख पहुंचाया? सर जी, कोई फायदा नहीं है, आप बहानेबाजी बंद कीजिए, सॉरी बोलकर बरखा जी को गले लगा लीजिए। टाइम बहुत कम है आपके पास। टाइम? हाँ बहुत कम है, मुझे पैरिस जाना है। शादी के बाद मुझे पैरिस जाना, बिजनेस शुरू करना है। कब तक बिजनेस कर करके माल छापते रहेंगे आप? अब आप आराम करेंगे, अब बिजनेस अपुन करेगी, माल भी अपुन ही छापेगी। बोले तो बिजनेस टूर पे भी अपुन ही जाएगी। सीढ़ी बहुत अच्छा लग रहा है यार। देखा, आपके एक हौसले ने कैसा चेहरा खिला दिया है। और कहीं आप जिंदगी में आ गई तो पूरी जिंदगी खिल उठेगी, शायद 6 साल तक जिंदा रह जाएं। 6 साल बोले तो? अरे सर जी, उम्मीद का दामन मत छोड़िए, पकड़ लीजिए, प्यार जिंदगी को बढ़ाता है। ये लीजिए हार, कर लीजिए इन्हें स्वीकार, और आप इन्हें दे दीजिए महीने 4। 4 महीने बोले तो? सर जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिंदगी 4 दिन की होती है, लेकिन खूबसूरत पत्नी का साथ 4 महीने कर देता है, और 4 महीने 40 साल के बराबर होते हैं, और प्यार करने वालों के लिए 4000 साल, और आप जैसे सच्चे आशिक के लिए 4000 करोड़ साल। 4000 करोड़ साल? प्यार करते जाइए, उम्र को मल्टीप्लाई करते जाइए, और बोले तो बीच मत बोलते जाइए। हार पहनाइए, टाइम नहीं है, हार पहनाइए। जल्दी करो, 1 मिनट। सीढ़ी, आधा घंटा हो।
लोग लेट हो गए। चलो चलो, अब ये शादी के बंधन बन चुके हैं, आप लोग इन्हें आशीर्वाद दीजिए और आप निकल लीजिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस खुशी के मौके पर ये तो बताओ कि वो लड़की कौन है। अरे नहीं नहीं सर, अब वो सिचुएशन नहीं है, आप लोग हनीमून पे कंसंट्रेट कीजिए और आप लोग निकल लीजिए। चलिए चलिए चलिए। ए सीडी, तू तो अपन की जिंदगी का रियल डायरेक्टर बन गया रे। मैं बहुत खुश हूँ। एक्शन तो बोलता जा। अच्छा, एक मिनट, आप लोग एक दूसरे को देखिए, आंखों में आंखें डालिए, थोड़ा सा शर्माइए, उसके बाद शुरू हो जाइए एक्शन। Who are you? CD. CD means चक्रधारी। ये इस एल्बम का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर? छोटा प्रोड्यूसर? Very nice. Hi, क्या हाल है सर? How are you? How are you? I'm fine, thank you. नहीं नहीं, I'm not fine, thank you. I'm not, how are you? मैंने सब वापस लिया। कोई प्रॉब्लम सर? बहुत बड़ी। ये जो तेरा हीरो ना, ये मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। अरे दे रहा है ना सर, तो ले लीजिए। ले तो नहीं रहा है ना। शट अप! इसके पास एक सीडी है। वो मैं हूँ सर। अरे छोटा वाला सीडी नहीं, वो गोल वाला सीडी, जो सीडी प्लेयर में डालो तो सामने फिल्म चलती है, वो। अच्छा, वाला। अच्छा, वो वाली। हाँ। सर किस फिल्म की है? फिल्म की नहीं है, रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री की है। देख वो सीडी मुझे दिला दे, वरना हिंदी फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह इस इंडिया हाउस को तुम सबका ग्रेवयार्ड बना दूंगा। सर आप मिस्टेक कर रहे हैं। क्यों? हिंदी फिल्म के क्लाइमेक्स का जो लोकेशन होता है। हाँ? वो विलेन का ग्रेवयार्ड बनता है। शट अप! देख बॉबी, इधर आ। ये बोलता बहुत ज्यादा है और ये बिल्कुल नहीं बोलता है। इन दोनों की इतनी पिटाई कर कि ये बोलना बंद कर दे और ये बोलना शुरू कर दे। वेरी गुड सर, कीजिए, अभी कीजिए, बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? इस कार्यक्रम को 9:30 मिनट आगे कर दीजिए। शनि की दशा ठीक नहीं, राहु केतु एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं। एक काम कर, तू अपनी पीठ दिखा दिखा दिखा। देखो देखो, बहुत हो गया नाच गाना। अबे ओ चटनी के, मेरी जिप खुली? नहीं नहीं नहीं, वो तो बंद है। मेरा मेकअप अच्छा नहीं, नहीं, नहीं है। वो तो स्पॉन्टेनियस था, अभी तो सिचुएशन दूसरी है ना भाई। सिचुएशन तो मैं बनाऊंगा तेरी खोपड़ी खोल कर। नोबडी मूव्स। हे, गेट बैक। आर यू ओके? चल हो गए 9:30 मिनट पूरे, शनि की दशा भी ठीक हो गई, राहु केतु भी सीधे हो गए। What do you mean? He means to say कि जॉन ने तुम्हारे सिंडिकेट के हर आदमी के खिलाफ जो प्रूफ की सीडी बनाई थी, वो सीडी मेरे पास है। तुम्हारे पास है? Yes, मिस्टर बांगा, जॉन ने वो असली सीडी मुझे कोरियर की थी। Oh my God! इसीलिए जॉन अंकल मरते समय बार बार सीडी सीडी बोल रहे। Yes, you are right. इंडिया में मैं जब टीकू सेठ से फाइनेंस करने की बात करके निकला तो इनके आदमियों ने मुझे किडनैप कर लिया। सर, आप लोग कौन है सर? सर मुझे तो अभी फाइनेंसर मिला है। फाइनेंस नहीं मिला है सर, मैं तो अपने घर का किराया भी नहीं दे पाया सर, प्लीज सर। फाइनेंस भी मिल जाएगा अगर तुम वैसा ही करोगे जैसा हम चाहते हैं, वरना। सर आप लोग अंडरवर्ल्ड की कौन सी कंपनी से सर? My name is J.K. Saxena. जी, from Interpol. Interpol. सर नमस्ते। हम एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम टीकू सेठ के साथ मिलकर जापान में शूटिंग का प्रोग्राम रखो। ठीक। और जिसका हीरो हो बॉबी खान। वो बॉबी खान नया लड़का सर? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बॉबी और बंटी एक ड्रग सिंडिकेट के लिए करियर का काम करते हैं। सर हमारी स्टोरी में बॉबी खान कहीं फिट नहीं होता सर। तुम्हें फिट करना ही होगा सीडी। यंग जनरेशन को बर्बाद करने वाली इस बुराई को खत्म करने के लिए तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। और हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस काम के लिए तुम्हें एक अच्छा इनाम भी देगी। इनाम से ज्यादा जरूरी यह है कि सर उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बॉबी खान सर, मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। मैं रिमिक्स एल्बम की शूटिंग प्लान करता हूँ। इस बार तुमने बंटी और बॉबी के बजाय जाहिद की मजबूरी का फायदा उठाकर ड्रग्स मंगवाए, लेकिन जब तुम्हारा साथी जॉन सिंडिकेट के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार हो गया
तो हमने अपना प्लान बदल दिया। हाँ, और उस बदले हुए प्लान का क्लाइमेक्स ये है कि आप बुरी तरह फंस चुके हैं बांगा साहब। ठीक दम अवे यू आर अंडर अरेस्ट। सर जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर जी। हाँ, बोलो ना। बांगा साहब जरा पीठ इधर करिए, उधर देखिए प्लीज। नहीं नहीं, सिचुएशन मैं बनाता हूँ, देखिए ना प्लीज। ओहो, लगता है पैकअप हो गया है। सीडी जी सर, हम लोग टोक्यो क्या घूमने गए? तुमने फिल्म की शूटिंग ही शुरू कर दी। अरे नहीं सर, रियल शूटिंग तो अब शुरू होगी। अच्छा, और कमाल की फिल्म बनेगी। अरे हीरो का डांस तो मैंने देखा ही था। अच्छा। आज फाइट भी देख ली, क्या कमाल लड़का है। और मैंने तो फिल्म का टाइटल भी सोच लिया, लव इन जापान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सीडी बनाओ, बड़ी बड़ी फिल्में बनाओ। ये खासदार खिदमतगार हाजिर है। बोले तो तुम्हारी फिल्म के फाइनेंस के लिए अब उनका दरवाजा हमेशा खुला है। क्या बात है, लव इन जापान।